stay positive in negative situations. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। आज हमें सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखने और सुनने को मिलती हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर कोई स्ट्रेस ले रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हर कोई परेशान है। इस मुश्किल समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम पॉजिटिव रहें और सकारात्मक सोचें। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नकारात्मक समय में भी सकारात्मक कैसे रहें, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी पॉजिटिव और खुश रह सकते हैं। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जो कि है इग्नोर नेगेटिविटी। हमें नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है। लगातार नेगेटिव न्यूज को देखने से हमारा माइंड और भी ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए, इसकी जगह कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता हो। आप अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर यदि आपकी कोई हॉबी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या फिर रीड करते हैं तो हमारा माइंड उसी तरह से सोचता है। यदि हम कुछ नेगेटिव देखते हैं तो हमारा माइंड नेगेटिव सोचता है, वहीं दूसरी ओर यदि हम कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है। इसलिए दोस्तों नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। टिप नंबर 2 है, राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। रात को सोने से पहले एक कॉपी के अंदर उन सभी चीजों के बारे में लिखिए जो कि ऑलरेडी आपके पास है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ग्रेटिट्यूड को फॉलो करने से हमें यह पता चलता है कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है और हमारे पास कितना कुछ है। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप इस प्लैनेट पर सबसे ब्लेस्ड इंसान है। इसलिए हर वो छोटी से छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो कि ऑलरेडी आपके पास है। जैसे ही आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि व्हाट्स गुड इन माय लाइफ, तो आपका ब्रेन उन सभी चीजों के ऊपर फोकस करेगा जो कि ऑलरेडी आपके पास है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है। टिप नंबर 3, लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने से हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। नेगेटिविटी पर से अपना ध्यान हटाने के लिए सबसे बेस्ट है कुछ नया सीखिए। आज हम सभी लोग अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर बिताते हैं। इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट करने की जगह हमें इंटरनेट से कुछ सीखना चाहिए। हम यूट्यूब की मदद से कई सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों लर्न समथिंग न्यू। टिप नंबर 4 है, रीड अ बुक। नेगेटिव न्यूज को ना पढ़कर कोई बुक रीड कीजिए। आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ सकते हैं। बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो ऑडियो बुक्स को प्रेफर कीजिए। ऑडियो बुक से हमारा टाइम भी सेव होता है और हमें पूरी बुक अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए दोस्तों अच्छी से अच्छी बुक्स रीड कीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 5, एक्सरसाइज डेली। डेली हमें 1 आवर अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। एक्सरसाइज के बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते, इसलिए एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिए। एक्सरसाइज करने से हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा मूड भी फ्रेश रहता है। टिप नंबर 6, स्पेंड टाइम विद फैमिली। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कई सारी स्टडीज से पता चला है कि हमेशा खुश रहने के लिए ह्यूमन कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से बात करने से हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। दोस्तों आज टेलीविजन, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में हमें सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कीजिए। गाइज ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसा अभी टाइम चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो दोस्तों जितना हो सके नेगेटिविटी को अवॉइड करें और खुश रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज आरएमएस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।